व्हाट्सएप कर देना हमें। एक दिन से तीन दिन से तबीयत खराब हुई, नोएडा में दिखाया तो दिखाने के बाद वो कह रहे हैं इसको डेंगू है, डेंगू दिखाया बताया। तो हमने सोचा पैसा तो है नहीं उतना, दिखा नहीं पाएंगे, तो हमने सोचा घर ले आए। घर ले आए, घर में आए, महोबा में भर्ती कर रखा सरकारी अस्पताल। तो इसके बाद वही इलाज चल रहा है। मेरे पास इतना है नहीं था पैसा कि मैं कर सकूँ, मजदूर आदमी, बाल बच्चे समेत रहता था परिवार सहित, गरीब आदमी। कम से कम 4 साल रह रहा हूँ, मजदूरी का काम कर रहा हूँ। पूरा परिवार रहता था या अकेले रहते? पूरा परिवार रहते थे, 5 लोग। अब यहाँ भर्ती कराया, कैसी हालत थी? तो यहाँ भर्ती कराया तो कुछ वैसी गंभीर हालत थी ऐसे। कल जो है एक पेशेंट जो है दिल्ली से आया है, नोएडा से, कुछ वो बुखार की उनकी शिकायत है, मनीषा नाम है, और वहाँ पे उन्होंने जांच कराई है जिसमें प्लेटलेट्स कम हैं और TLC भी कम है उसका, और कुछ जांच प्राइवेट की कराई है उनने उसमें, तो उनको भर्ती किया गया है EMO के द्वारा। और हमारे यहाँ जो जांच होती है डेंगू से संबंधित CVC, वो उसको सैंपल ले लिया गया है और कराया जा रहा है, और मरीज़ को जो है डेंगू वार्ड में जो है शिफ्ट कर दिया गया है, और रिपोर्ट आ जाने के बाद उसका कन्फर्मेशन हो पाएगा। चूँकि ये बाहर का मरीज है तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ महोबा में कोई स्थानीय लोकल वाला कोई यहाँ जो हैबिटेट है उसको कोई ऐसी, मतलब ऐसी कोई रिपोर्टिंग है। दिल्ली से आया है पेशेंट जो है, उसकी जाँच कराई जा रही है, सैंपल भी जो है ले लिया गया है और उसको उपचार दिया जा रहा है, और उसकी हालत अभी ठीक है, संतुष्ट है इलाज से।